जनपद में छठ पर्व को देखते हुए व्यापारियों द्वारा सुपैली की बिक्री हो रही है। आपको बता दें कि इस बार छठ पूजा 19 नवंबर की शाम व 20 नवंबर की सुबह मनाया जाएगा, जिसको देखते हुए व्यापारियों द्वारा छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाले सामग्रियों की बिक्री शुरू कर दी गई है। मंगलवार को प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए व्यापारियों द्वारा पूजा में इस्तेमाल होने वाली सुपैली की बिक्री की जा रही है। ये हालांकि अभी बिक्री थोड़ी धीमी है, क्योंकि छठ पर्व 19 नवंबर को है, लेकिन अभी से दुकानें सजने लगी हैं। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए सुपैली बेचने वाले व्यापारियों ने कहा, यह रेट 12-14 रुपया बिक रहा है। बिक्री बहुत डाउन बिक्री का है। हर साल आते हैं आप? हर साल आते हैं। जनपद मऊ से कितना पीस हर साल बेच लेते हैं? हर साल 1500-1200-1400 जितना बना लेते हैं उतना बेचते हैं। अभी डाउन है। आ रहे हैं ग्राहक? ग्राहक नहीं आ रहे। ग्राहक आते तो डाउन नहीं होता। कब तक रहेंगे आप लोग? अब जब तक माल बिक जाएगा तो चले जाएंगे, नहीं तो रहेंगे। क्या नाम आपका? जगदम्बा प्रसाद। ये 20-22-25 बिक्री को लेकर क्या स्थिति है? बिक्री तो भैया बढ़िया ना है, मतलब कि इन्हें नरम गरम बेचा था जाए। अभी हो रहा है? हाँ। आ रहे हैं ग्राहक? अगर आम तो बहुत कम है। आओ भैया, हर साल आते हैं? हाँ हर साल आते हैं। ये 20-22-25 के अंदर चल रहा है। अच्छा, ये कितने दिन तक आप दुकान लगाएंगे यहाँ पे? बस आज ही बेच देना है। छठ तो 19 तारीख से है, तो हम लोग को और काम है ना। आज भी चले आएंगे? हर साल आते हैं? हर साल आते हैं। बिक्री ठीक ठाक होती है यहाँ पे? बिक्री ठीक हो रही है। अब बिक्री ठीक कब? आपका घाटा लगा था तो अभी तो समय है, खरीदारी से लोग आएंगे तो क्या कहिए, तमाम काम है ना। कोल दाम मंडी में सौदा कम ढेर गिर गया। कहाँ से आए हैं? मऊ से। हर साल आते हैं? हर साल आते हैं।